फ्रेंड्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का सातवां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर आधारित सेकंड वीडियो आज रिलीज होने जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि जीवों में विविधता किस प्रकार से उत्पन्न होती है, क्या समानता होती है, विविधता से क्या तात्पर्य, उस छोटे मोटे तीन चार मुद्दों को आपने कल करने का प्रयास किया था कि जीवों में विविधता मतलब भिन्नता, भिन्नता से तात्पर्य मतलब किसी भी प्रकार इसमें कितनी डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण छिन्नु और मुन्नु का देखने भी समझाया था कि दो लड़के हैं और उनमें कितना अंतर, दोनों जुड़वा होने के उपरांत भी उन दोनों में कितना अंतर देखने को मिलता है कि हाइट, रंग, रूप, वजन, बहुत सारे प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिले थे। फिर अपन ने देखा था समानता, जीवों में कई प्रकार की समानता कोई होती है, उसके आधार पर अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा जाता है कि मतलब इन इन वजह में इन जीवों में ये समानता पाई जाती है, इसकी वजह से इन इन जीवों को इस कैटेगरी में बांटा जाता है। तो अपन जानते हैं जीवों में कई प्रकार की समानता होती है, कई प्रकार की भिन्नता भी होती है, फिर भी इतने परिवेश में कई प्रकार के जीव जंतुओं को एक प्रकार का वर्ग डिपेंडेंट करते हैं, वो है सजीव। सारे सारे किस कैटेगरी में आते हैं, सजीव। तो निर्जीवों का वर्गीकरण करना कोई नेसेसरी होता ही नहीं, निर्जीव कोई इधर उधर जाते नहीं, परंतु सजीवों को अलग अलग परिवेश में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से भी जानते हैं, अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। तो जनरली उनका वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकृत किया गया कि इस कैटेगरी के इन इन लक्षणों को फॉलो करने वाले जीव जंतु होते हैं उनको इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। चाहे आप वो मरुस्थल में पाया जाता हो, चाहे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता हो, चाहे बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, तो उनको एक ही कैटेगरी में बांटा जाता है। तो उन्हीं लक्षणों को प्रिपेयर करते हुए जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटना नेसेसरी हो गया। तो देखते हैं जीवों का वर्गीकरण करना आवश्यक क्यों माना जाता है, क्योंकि जैसे वर्गीकरण का मतलब उनको सही उचित नाम से जाना जाता है और उचित कैटेगरी के एक ही प्रकार के लक्षणों को अध्ययन करने पर सभी स्थानों पर पाए जाने वाले जीवों का उसी कैटेगरी के जीवों को अपन लक्षण के रूप में देख सकते हैं कि इनमें ये गुण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन जानते हैं जैसे वर्गीकृत करने वाले अलग अलग भागों में उनको बांटना, जैसे आपके घर में भी अलग अलग कई प्रकार का सामान है तो उनको अलग अलग कैटेगरी में आप रखते हो कि ये मतलब खाने की चीज अलग रसोई घर में रखते हो, खेत में काम आने वाली वस्तु है उनको अलग कैटेगरी में रखते हो। तो अलग अलग सामग्री को आप जैसे वर्गीकृत करते हो उनको उपयोगिता के आधार पर या उनकी बनावटी के आधार पर या उनके स्थायित्व के आधार पर उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हो। जैसे घर पे रखे हुए वस्तुएं खाने की चीज को आप रसोई के उसमें रखोगे, खेत में काम आने वाली चीज को अलग स्थान पर रखोगे, कपड़ों को अलग रखोगे, ये सारा सिस्टम होता है, किताबों को अलग अलग रखते हैं तो उनको भी वर्गीकृत करते हैं। ऐसा नहीं पूरे पूरे घर में सारा आटा भी मिक्स में, पानी भी साथ में और किताबें उतार साथ साथ मिक्स में, ऐसे रखते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी गुणवत्ता उपयोगिता के आधार पर उन सभी वस्तुओं को अपने अलग अलग सेपरेट अलग अलग संदर्भ में रखते हैं ताकि उसकी उपयोगिता के आधार पर अपन जिस चीज की आवश्यकता है उसको आसानी से अपन देख के आसानी बता सकते हैं कि वो चीज तो वहाँ पड़ी डायरेक्ट अपन एक सेकंड में अपन आइडिया आ जाते हैं। तो वैसे वैसे जीवों को भी वर्गीकृत करते हैं अपन, सभी सभी को ऊंट घोड़े गधे वधे सारे सारे को एक स्थान पर क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते, क्योंकि उन सभी के गुणधर्म क्या होते हैं अलग अलग, सभी को एक साथ नहीं रखते। शेर और बकरी को साथ में रखते हैं क्या? नहीं रखते, क्योंकि शेर तो क्या है मांसाहारी जीव है और वो क्या शाकाहारी, और वैसे उनको साथ में रखा शेर उसका क्या करते भक्षण कर देगा, तो उनको साथ रखना उचित नहीं माना जाता है। सभी के अलग अलग गुणधर्म होते हैं और अलग अलग आकृति आकार अलग अलग स्थान आवास आदि को प्रेफर करते हुए उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना अनिवार्य हो जाता है। तब अपन देखते हैं जीवों का वर्गीकरण का कार्य सबसे पहले शुरुआत करने का काम किया था वो अरस्तु। अरस्तु नामक का वैज्ञानिक था। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को वर्गीकरण आवास के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटने का कार्य किया। आवास के आधार पर जैसे जल पर रह रहा है कोई जीव, वायु पर रहने वाले या थल पर रहने वाला भूमि पर रहने वाला है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटने का काम सर्वप्रथम उसने किया था, अरस्तु ने किया। अरस्तु ने देखा कि जो जीव जल में अपना जीवन यापन करते हैं, जल में ही रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जलसर। आपको जलसर जीव किसे कहते हैं,
जो अपना जीवन कहाँ पे करते हैं, जीवन की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब जल में समर्पण करते हैं, उसमें बोलते हैं जल सर। जैसे उदाहरण के मछली है, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो जल में अपना जीवन यापन करते हैं। नभसर जो आकाश में उड़ते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, यानी कि अपना जीवन यापन आकाश में यापन करते हैं, उड़ते रहते हैं। पक्षी वर्ग इसके अंतर्गत रहते हैं, सारे सारे पक्षी हवा में रहते हैं। आप देखते हो शायद टहनी पे बैठे पेड़ पे बैठते हैं, परंतु पेड़ भी लटकती हुई हवा में बहने वाला है। ऐसा नहीं भूमि पे आके पक्षी कभी बैठता है क्या? सोता पक्षी भूमि पे आपने देखा होगा। पक्षी ज्यादातर अपना घोंसला या जितना भी आवास, जो भी एक्टिवेशन, घूमना फिरना सारे सारे क्रिया जितनी भी होती है वो कहाँ पे करते हैं? अपने नभ में करते हैं, हवा में करते हैं, नभ सर जिसको बोलते हैं। इस तरह से जो भूमि पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, भूमि पे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं स्थल सर या बोलते हैं थल सर। जो जैसे मनुष्य जितने भी आप देखते हैं मनुष्य हैं, या गाय भैंस बकरी भेड़, तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना जीवन यापन कहाँ पर करते हैं? भूमि पे करते हैं। और एक अन्य प्रकार के जीव जो उभयसर के रूप में होते हैं, जो ऐसे जीव होते हैं नभसर एवं थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं, या जल सर व स्थल सर दोनों प्रकार के, मतलब दोनों परिवेश में रहने के लिए उभे हो, मतलब कॉमन परिवेश में रहने की टेंडेंसी उनकी होती है, वो क्या कहलाते हैं आपके नभ उभे सर के रूप में। तो आपको उसे जल सर, नभ सर, स्थल सर या उभे सर प्राणी क्या क्या होते हैं एक एक उदाहरण बताइए। तो आप सब जानते हो जल सर के रूप में मछली, नभ सर के रूप में क्या हो जाएगा आपके पक्षी, स्थल सर के रूप में आपके क्या हो जाएगा मनुष्य, और उभय सर के रूप में क्या हो जाएगा मेंढक। मेंढक भी एक प्रकार का उभय सर प्राणी है जो आपके पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रहने की इसकी टेंडेंसी बराबर होती है। दोनों परिवेश में अनुकूल, अपने वातावरण के अनुकूल रहने में इनमें क्या पाई जाती है, ऐसी विशेष विशेषता पाई जाती है। देखिए किसी जीव के लक्षणों से तात्पर्य जीव में कोई विशिष्ट कार्य या रूप होने से अभिप्राय, कि कोई कहते हैं कि इसके ऐसे लक्षण है। लक्षण से क्या तात्पर्य हुआ कि लक्षण का मतलब उसमें ऐसे विशेष गुण है, ऐसे विशेष कार्य करने की उसमें क्षमता है, ऐसा उसका रूप है, उसके आधार पर उसके लक्षण को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। वो तो ऐसे रंग का आदमी है, ऐसे उसके लक्षण है। आप कहते हैं कि इस लक्षण के या इस लक्षण के व्यक्ति को आपने कहीं देखा कि काला है, इतना लंबा है, इतना सौडा है, इतने बोलने वाला है, ऐसा चलने वाला है, उनके लक्षणों को या कार्य की या रूपरेखा को देख के आप बताते हैं उनके परिवेश सामान्य लक्षण, उसके आधार पर भी उनको अलग अलग कैटेगरी में आप पकड़ते हो जीवों को। जीवों के वर्गीकरण के लिए परस्पर संबंधित लक्षणों का पदानुक्रम होना आवश्यक बताया गया है कि जीवों का वर्गीकरण करना है तो उसके संबंधित लक्षणों को एक क्रम में बनाना आवश्यक बताया गया है। जीव को अलग अलग कैटेगरी में आप बांटोगे तो उसको बांटने का प्रोसेस क्या रहेगा, उनके मिलते जुलते लक्षण। जैसे नभसर कहोगे तो नभसर किन प्राणियों को, ओनली फॉर एक कबूतर को क्या, क्या चिड़िया नहीं होगी? तो ऐसे जीव जो उस परिवेश में उड़ने वाले जीव होते हैं उससे समतुल्य लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन एक ही कैटेगरी में पदानुक्रम के रूप में उन वर्गीकरण के लिए आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार उसी को माना जाता है जिसके आधार पर उनको विशेष कैटेगरी में रखा जाता है। तो दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं, ये तो मान लो आवास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण हो गया। अब देखते हैं कोशिका के आधार पर, कोशिका के आधार पर वर्गीकरण करें तो कितना हो जाएगा, एक कोशिका और बहुकोशिकीय जीव। आप जानते हो कोशिका के आधार पर कोशिका क्या होती है, किस प्रकार से इनको प्रिपेयर किया गया, तो ये सारे डिटेल आपने पांचवें पार्ट में डिस्कस किया था। अब देखते हैं कोशिका के आधार पर जीवों को एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय तथा कोशिका संगठन के आधार पर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत इनको डिवाइडेड किया गया। देखते हैं एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर का संगठन केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात जीवन की सारी एक्टिविटी होती है वो केवल एक कोशिका में संपन्न होती है, उन्हें बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिनमें शारीरिक संगठन एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि उनको जैविक या जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं अपन बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य, मनुष्य को बोलने के लिए अलग कोशिका की रिक्वायरमेंट होती है, सुनने के लिए अलग अंग है, तो सारे सारे एक्टिवेशन आप देखते हो पाचन करने के लिए अलग अंग है, उत्सर्जन का अलग अंग है,
तो सारे सारे अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिका काम करती है। उन्हें इस प्रकार से निर्मित होने वाले जीव को क्या कहते हैं अपन, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। उसके बाद में भोजन के आधार पर जीवों को अपन वर्गीकरण करें, भोजन के आधार पर, आवास के आधार पर, शारीरिक संतुलन के आधार पर, तो अलग अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं आगे इस मैटर को बढ़ा रहा हूँ, तो आप इस मैटर को सेव कर लीजिए, फिर बाद में देखिए। देखिए जीवों का वर्गीकरण बेसिकली देखें तो बहुत सारे इफेक्टेड आप देखते हो, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं जो जीवों को वर्गीकरण करने में अलग अलग प्रकार के कारक होते हैं, उनके आधार पर जीवों को अलग अलग कैटेगरी मार सकते हैं अपन। तो जैसे उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और काफ़ी और आगे वर्गीकरण का मैटर को अपन आगे भी पढ़ेंगे। देखिए जीवों का वर्गीकरण, जैसे भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना हो तो भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना हो, जीवों कितनी कैटेगरी बांट रखा है, दो कैटेगरी। जीवों कितनी कैटेगरी बांट रखा है, दो कैटेगरी। जितने भी जीव हैं उनको दो कैटेगरी बांट रखा है, एक तो होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी के अंदर आते हैं पादप और परपोषी के अंदर आते हैं जंतु। दिमाग बांधना, भोजन के आधार पर स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी ऐसे सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, उसे बोलते हैं स्वपोषी। उदाहरण के लिए पादप जगत, जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अपना नेचर होता है उनका कि वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मैंने समझाया भी था, और आप जानते भी कि क्या हो रहा है कि पत्ती होती है, पत्ती में क्लोरोफिल पाए जाते हैं और उसमें रंध्र होते हैं, जो सनलाइट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। सूर्य पत्ती और जड़ों से पानी की सप्लाई होती है और इसमें क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, और उनमें हरे हरे रंग के स्पॉट पाए जाते हैं, वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट एप्रन हरे। और रंध्रों से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान CO2 का इंटर किया जाती है। तो आप जानते हो सूर्य की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन से बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे, जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, तो जल, उसके बाद में प्रकाश, फिर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और परणहरे। ये होना पौधों के लिए क्या आवश्यक, अपना भोजन पौधे करेंगे कब, कि जल भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए और CO2 गैस भी चाहिए, और परण की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं स्वपोषी। परपोषी ऐसे जंतु होते हैं जो अपना पोषण करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। परपोषी अपना भोजन डायरेक्ट इंटर दूसरों से प्राप्त करेंगे। इसको परपोषी को भी अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो आप देखते हैं शाकाहारी ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए सारे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ऐसे जंतुओं को अपने एक कैटेगरी में बांट देते हैं, सारे सारे क्या शाकाहारी, नॉनवेज नहीं खाते, ओनली फॉर वेजिटेबल पर यूज करते हैं, नॉनवेज को ये प्रयोग नहीं करते हैं। तो उदाहरण जैसे गाय, भैंस, बकरी, जो बहुत सारे ऐसे मतलब छोटी क्लास में आपने देख रखा है। मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, दूसरों जीवों को मार के खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, मांसाहारी। जैसे शेर, चीता होते हैं ना, शेर, चीता या आपके कैंगुआ, बाघ,
बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन ओनली फॉर पेड़ पौधों या घास फूस को नहीं खाते, वो ओनली फॉर जीव जंतुओं को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनको अलग ही कैटेगरी मार्ट करते हैं मांसाहारी। उनकी कैटेगरी क्या कर देते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी में सर्वाहारी ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मांस भी खा सकते हैं और शाक को भी खा सकते हैं, ऐसे जंतु क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। उसके अंतर्गत जैसे मनुष्य मनुष्य कुत्ता बिल्ली कौवा जितने भी उदाहरण दो उसने क्या कहा, तो ये जंतु क्या होते हैं? ये अपना पोषण जीव जंतुओं को मार के भी खाते हैं तथा पेड़ पौधों का उनसे भी शाकाहारी जीव जंतुओं की तरह भी व्यवहार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये आपने देखा था किसके आधार पर? पोषण के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो पादप जगत जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं और दूसरा है परपोषी जंतु जगत जो अपना भोजन बनाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उसमें आपने देखा शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी ये जीव कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनको अलग अलग कैटेगरी बांट रखा है। तो आप दिमाग भरे कि शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं या जीवों का वर्गीकरण पोषण के आधार पर कीजिए तो आपको यह याद रहे कि शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी इन जीवों को अलग अलग कैटेगरी में पोषण के आधार पर डिवाइडेड कर रखा है। आगे हम देखते हैं आवास के आधार पर। आवास के आधार पर पहले भी अरस्तु वाले वर्गीकरण को अभी 10 मिनट पहले रिप्रेजेंटेशन करके आपने देखा भी था कि जलसर नभसर स्थलसर और उभयसर ऐसे प्राणी जिस आवास में रहते हैं उसके आधार पर उसको अलग अलग कैटेगरी बांट रखा है। जो जल में रहते हैं उसको जलसर, जो आकाश में उड़ते रहते हैं उसको बोलते हैं नभसर, और जो भूमि पर रहते हैं भूमि पर रहकर या भूमि पर रहकर अपना जीवन यापन संपन्न करते हैं उसको बोलते हैं अपने स्थलसर। और उभयसर ऐसे जीव होते हैं जो जो परिवेश जैसा परिवेश मिलता है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने के लिए क्या होता है? सक्षम। जैसे मेंढक, मेंढक स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है। तो दिमाग बात रहे। अब आगे वाला स्टेप आप देख रहे हो वो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, वो कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को कितनी कैटेगरी बांट रखा है। तो दो कैटेगरी, एक तो एक कोशिका जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय। एक कोशिका ऐसे जीव होते हैं जिनमें कोशिका का पूरे शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है। कितनी? केवल एक कोशिका से शरीर का निर्माण होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, तो उनका शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से ही होता है। बहुकोशिकीय ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिका बहुत सारी होती है, जिनके शरीर के निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिका आपस में इंटरमिक्सिंग होती है, अर्थात जैविक क्रिया को संपन्न करने के लिए बहुत सारी कोशिका पार्टिसिपेट होती है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका संगठन के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक तो प्रोकैरियोटिव और एक आता है यूकैरियोटिव। प्रोकैरियोटिव क्या होते हैं? कोशिका केंद्र का संगठन देखते हैं या कोशिका झिल्ले के अलग अलग कोशिकाएं होते हैं उनमें झिल्ले के आधार पर उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। प्रोकैरियोटिव ऐसे जीव होते हैं जिनमें केंद्रक झिल्ले अनुपस्थित होती है, सुसंगठित केंद्र नहीं पाया जाता है तथा कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली रहित होते हैं, झिल्ली नहीं पाई जाती, और यूकैरियोटिव में ये पाई जाती है। उसके बाद में देखते हैं आगे वाला स्टेप दे रखा है शारीरिक संरचना के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में बांट रखा है, एक तो कशेरुकी और दूसरा है अकशेरुकी। कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है कशेरुकी के अंतर्गत आते हैं, और पुनः कशेरुकी को आगे आप पढ़ोगे तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, अकशेरुकी भी आगे अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। तो इस प्रकार अपन जनरली देखते हैं जीवों का वर्गीकरण अलग अलग कैटेगरी के आधार पर अलग अलग प्रकार से अपन कर सकते हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं वर्गीकरण एवं जैव विकास को अपन विस्तार रूप से आगे समझते हैं। वर्गीकरण जीवों का किस प्रकार से किया गया है, किस किस ने किस प्रकार क्या उदाहरणा दी, उसको अपन डिटेल से अपन समझ दें। अब यहाँ पे आता है दूसरा वर्ड आ रहा है जैव विकास। जैव विकास का मतलब क्या हुआ? जैव विकास से आपका क्या तात्पर्य? जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थोड़ी भी अपन अभी क्लियर करें, पहले इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं मैटर को रफ कर रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए
अपन देखते हैं आगे वर्गीकरण एवं जैव विकास क्या होता है। जैसे जैसे जीवों का विकास होता गया उसके साथ में उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना अनिवार्य हो गया था। क्यों? क्योंकि जीवों में विभिन्न प्रकार की भिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे जैसे जीवों का विकास हुआ तो उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता देखने को मिलेगी। विकास होता है तो उसमें विकास के साथ में कुछ न कुछ क्या होते हैं, संजय जाते हैं, बदलाव आते हैं। तो बदलाव होने की वजह से जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना अनिवार्य हो जाता है। तब देखते हैं, आपको जनरली पूछा जाता है जैव विकास किसे कहते हैं। जीवों के विकास होने का एक प्रोसेस, जीवों को विकसित होने में जितना समय लगता है या जिस प्रकार से जीवों को डेवलपमेंटिंग प्रोसेस होता है उसी अपने सामान्य भाषा में आपको बोलते हैं जैव विकास। जैव विकास सिद्धांत को प्रस्तुत करने का काम किया था चार्ल्स डार्विन ने। कब किया है? 1859 में। दिमाग में इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैव विकास सिद्धांत का प्रस्तुत करने का कार्य सर्वप्रथम करने का वैज्ञानिक थे वो थे चार्ल्स डार्विन ने किया। चार्ल्स डार्विन द्वारा सब लिखित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है जो संपूर्ण रूप से जैव विकास को विस्तार रूप से समझाती कि जीवों को किस प्रकार से विकास हुआ है, क्या क्या इफेक्ट हुए, किन की वजह से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा, जीवों को किस कैसी कैसी परिस्थिति आई तब अपना क्रम बदलना पड़ा। तो एक बहुत सारी घटना को उन्होंने इस पुस्तक में समझाया। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको लैमार्कवाद का सिद्धांत मैं प्रस्तुत करूँ तो लैमार्क ने यह बताया था कि जीव का विकास एक निश्चित समय की अवधि के अकॉर्डिंग होता है और जैसा प्रीमियस मिलेगा उसके अनुसार धीरे धीरे विकसित होकर अपने वातावरण के अनुकूल ढालने के लिए जीव विकास अपना करता खुद करता रहता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में जिराफ, जिराफ को आपने देखा होगा कि जिराफ जब घास फूस बहुत अधिक मात्रा में क्षेत्रफल पर फैली हुई थी तब उनको खाने के लिए कम आवश्यकता थी और उतनी आराम से घास फूस मिल जाती थी, तब वो उतनी गर्दन को लंबा करने की जरूरत नहीं थी और वो धीरे धीरे आराम से घास फूस खा लेता। परंतु जैसे जैसे परिवेश चेंज होता गया तो उसको घास फूस धरती से कम होती गई और फिर बाद में साग सब्जियों पर निर्भर होने लगा और जैसे जैसे गर्दन को ऊपर उठाता रहा और धीरे 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 उसकी गर्दन क्या हो जाती, लंबी हो जाती। तब आप देखते हो आजकल जिराफ दक्षिणी अफ्रीका में आप देखते हो तो बहुत लंबी गर्दन वाले जिराफ होते हैं, गर्दन उनकी लंबी होती है। क्यों लंबी होती? क्योंकि उनको भोजन अधिक ऊंचाई से प्राप्त करना है। तो उनकी गर्दन का विकास एक दिन में नहीं हुआ, उनकी कई पीढ़ियों में ये प्रोसेस धीरे 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 परिवेश के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस बदलाव आने को देखने को मिलता है। तो दिमाग भरे जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने का काम किया चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दिमाग भरे की बात। वर्गीकरण समूह की पदानुक्रम संरचना है। वर्गीकरण एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाए, क्या है तो उसका एक क्रम होना चाहिए। ऐसे नहीं डायरेक्ट उसको उस वर्ग में डाल दिया तो उस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं, तो एक सिस्टम होना चाहिए और उनको एक क्रमबद्ध रूप से अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, फिर बाद में उसकी क्या क्या लक्षण मिलते थे उसी के आधार पर सभी को अलग अलग कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। तो शुरू शुरू में देखते हैं वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण प्रस्तुत करने में विशेष करके तीन चार वैज्ञानिक थे, उन्होंने विशेष करके रिसर्च किया जो आज अपने लिए क्या मान्य और सर्व उचित उनको प्रायोरिटी देना भी माना जाता है। उसमें आ रहा है अर्स्टर, एक्कल, रॉबर्ट विक्टर, कार्ल पॉस की जीव जगत का वर्गीकरण प्रस्तुत करने में मुख्य भूमिका रही है। क्योंकि इन तीन चार वैज्ञानिकों की मुख्य भूमिका रही है। जैसे आप देखते हो पंच जगत की अवधारणा प्रस्तुत किसने की, तो आप कई बार पूछते हैं पंच जगत की अवधारणा प्रस्तुत करने का काम किया था विक्टर ने। पूरे जीव जगत को उसने पांच कैटेगरी में बांट दिया था कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग गुणधर्म हैं और उनको बांटने का उसका प्रोसेस क्या रहा। पोषण है, कोशिका की संरचना है, संगठन है, किस प्रकार से जीवों का शरीर निर्मित होता है उसके आधार पर उन्होंने जीवों को पांच जगत में बांट दिया था। तो अपन कहते हैं पंच जगत की अवधारणा प्रस्तुत करने का कार्य किसने किया था, विक्टर ने किया। किस प्रकार से किया, कौन से वर्ग की क्या विशेषता होती है, इसको अपन विस्तार रूप से अगले सत्र में आपके सामने प्रस्तुत मैं करूँगा। उसके बाद में आता है कार्ल पॉस, पॉस जिसने बताया कि मोनेरा जगत जो उसने विक्टर ने प्रस्तुत कर दिया प्रश्न, परंतु मोनेरा जगत की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग गुणधर्म होते हैं, उसके आधार पर मोनेरा जगत को पुनः बॉस ने यह बताया कि
आरके बैक्टीरिया तथा यूकेरियोटिक बैक्टीरिया के रूप में अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइड करके फिर उनको पुनः प्रस्तुत करने का कार्य भी उन्होंने काम किया है। तो अलग अलग वैज्ञानिक की अलग अलग भूमिकाएं और अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण को प्रस्तुत करने का प्रोसेस रहा है। फिर अपन देखेंगे विभिन्न जीवों को वर्गीकरण करने का क्या पद किस प्रकार से स्टेप है, सबसे पहले क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उसको अपन एक एक चीज को विस्तार रूप से समझेंगे। वो अगले वीडियो कल वाला रिलीज होगा, उसमें आप विस्तार रूप से देखेंगे। तो आज जितना चैप्टर पढ़ा है उसको रिवाइज करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू बनाए रखें। और यदि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपलोड होने वाले नए वीडियो को आप जरूर देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।